आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में हुई धान खरीद संबंधित बैठक 1 नवंबर से सभी क्रय केंद्रों पर शुरू होगी। धान की खरीद किसानों को पहले ही करना होगा रजिस्ट्रेशन। रेलवे अस्पताल में 18 बेड के चाइल्ड वार्ड का पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन तथा पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक ने किया लोकार्पण। कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर में कारगर साबित होगा यह अस्पताल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बेसिक शिक्षा विभाग में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक। मिशन प्रेरणा, कायाकल्प योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के दिए निर्देश। अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद के राजस्व संग्रह अमीनों की बैठक। बड़े बकायेदारों के खिलाफ RC जारी करने सहित राजस्व वसूली बढ़ाने के दिए निर्देश। शहरी क्षेत्रों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के तर्ज पर अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा डोर टू डोर कूड़ा का कलेक्शन। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं और सफाई कर्मी करेंगे कूड़ा कलेक्शन का काम। 6 महीनों तक नहीं देना होगा कोई चार्ज। सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद में कुल 323 केंद्रों पर 25,853 लोगों को किया गया कोविड का वैक्सीनेशन। प्रथम डोज देने वालों में 10,481 तथा दूसरी डोज देने वालों में 15,853 लोग रहे शामिल। CMO ने कहा, अवश्य लगवाएं टीका जीत का। विभिन्न मांगों को लेकर राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन ने मोहद्दीपुर स्थित मुख्य अभियंता विद्युत के कार्यालय के समक्ष किया ध्यान आकर्षण कार्यक्रम। मांगे पूरी नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। नवीन महमा मंडी में आलू और प्याज के थोक दामों में आई उछाल। 2400 रुपए कुंतल आलू तथा प्याज पहुंचा 3500 रुपए के पार। और लगातार हो रही बारिश और नेपाल द्वारा पानी छोड़े जाने के बाद जनपद की नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी। ADM फाइनेंस ने कहा, स्थिति है सामान्य नहीं है, कहीं से भी जनहानि की कोई सूचना।